हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम लास्ट वन ईयर की एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये पार्ट फोर है एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स सीरीज का, एंड ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स 2017 के लिए इमेंसली बेनिफिशियल होगा। मेरा नाम भूमिका सैनी है, मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर से करी है। स्टडी आईक्यू ने काफ़ी सारी पेन ड्राइव्स लॉन्च करी है अलग अलग कोर्सेज के लिए, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, बैंक एग्जामिनेशन के लिए, बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, एंड यूपीएससी की पेन ड्राइव बहुत ही जल्दी जून 2017 में लॉन्च की जाएगी। जो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स है उनको काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में हमने पोल्यूशन और पोल्यूशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेक्शन में जो भी थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो लास्ट वन ईयर में न्यूज़ में थी, एंड उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को डिस्कस किया गया था। थर्ड सेक्शन में हमने क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस किया था। इस सेक्शन में सारे जो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट कन्वेंशंस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। आगे आने वाले लेसन में इंपॉर्टेंट डेज एंड रिपोर्ट्स एंड जो भी कुछ इसके अलावा रहेगा वो मिसलेनियस सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए एक बार डिटेल में ग्लोबल कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल कन्वेंशंस को डिस्कस करने से पहले एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरह से एनवायरनमेंट में चीज़ें इवॉल्व हुई हैं उन पर एक बार नज़र डालते हैं। फर्स्ट 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये 1948 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि मेन फंड है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, इसके लिए 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। IUCN जो है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसमें की सारी लिस्टिंग होती है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। एंड 1972 में ध्यान रखिएगा दो चीज़ें हुई थी, एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि एनवायरनमेंट पे हुई थी। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में एनवायरनमेंट में हुई थी, और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में। इसके बाद 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आया था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये 1973 में एक कन्वेंशन आया था। इस कन्वेंशन में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनके उनकी इलीगल पोचिंग, उनके पार्ट्स में जो भी ट्रेडिंग होती है, सपोज हॉर्न्स, स्किन, हाइड्स एक्सेट्रा, इनकी जो ट्रेडिंग होती है इसको कंट्रोल किया जाता है। इंडिया साइट्स का मेंबर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी 1992 में। इस समिट में तीन चीज़ें फाइनली निकली थी। एक था UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक चीज़ इस अर्थ समिट में जो कि रियो ब्राज़ील में हुई थी, इसमें एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कन्वेंशन बना, दूसरा एक कन्वेंशन बना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन जो बना वो बायोडाइवर्सिटी के लिए था, UNFCCC जो कन्वेंशन बना वो क्लाइमेट चेंज के लिए था। इसके बाद एक थर्ड चीज़ जो निकली वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 मेनली 21st सेंचुरी के लिए एक एजेंडा था जिसमें कि इंश्योर किया जाएगा कि आगे आने वाली जनरेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखेगा, ये रियो अर्थ समिट से निकली थी, इनको हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके 20 साल बाद रियो प्लस 20 समिट हुई जिसमें कि 2012 में जो कि 1992 के 20 साल बाद रियो में ही रियो अर्थ समिट का एक 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था, और इसमें मेनली ये देखा गया था कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, एजेंडा 21, इनके प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये एक तरह से रिव्यू था, ये था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद हम 2015 में अभी रिसेंटली पेरिस समिट हुई थी, पेरिस अग्रीमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो COP 21 थी। ये कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और UNFCCC जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशन जो 1992 रियो अर्थ समिट में कन्वेंशन बना था, उसके अंडर हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जहाँ जनरली ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो मीट करती है, डेलिब्रेट करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज पर। तो इसकी 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी पेरिस में, जिससे कि पेरिस अग्रीमेंट जिसमें डिजाइन किया गया था। फिर 2016 में लास्ट ईयर ही COP 22 हुई थी, जैसा मैंने कहा कि हर साल होती है, तो COP 22 2016 में हुई थी, ये माराकेश जो कि मोरक्को में है, और मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। 2017 में इस साल ये बॉन जो कि जर्मनी में एक जगह वहाँ होगी, वो COP 23 होगी। तो कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं।
क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। कन्वेंशन जो है वो एक एक तरह से एक मीटिंग या गैदरिंग होती है, काफ़ी सारे हेड ऑफ स्टेट या जनरली रिप्रेजेंटेटिव आते हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो भी उस कन्वेंशन के मेंबर है। जैसे अगर देखा जाए UNFCCC, ये एक कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब इसकी हर साल जो कॉप होती है उसमें इंडिया क्योंकि इसका मेंबर है तो इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फिर वो डेलिब्रेट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं जनरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अभी क्या स्टेटस है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सकता है, और फिर वो एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पर आते हैं, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है UNFCCC या फिर एक कन्वेंशन में। इसी तरह के और कन्वेंशन भी है, एक है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन है ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो ओजोन डिप्लीशन को कैसे कम किया जाए उसके लिए कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन। ऐसे ही अभी आपने देखा 1992 में रियो अर्थ समिट में एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी था। उस कन्वेंशन में मेनली ये था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। तो ये इस तरह के ये कन्वेंशंस हैं सारे, इसमें सारी कंट्रीज आके डेलिब्रेट करती है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। अब एक कन्वेंशन के अंडर एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमेशा अटैच होता है कन्वेंशन से, प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि उस पर्टिकुलर कन्वेंशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो सारी चीज़ों से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एम्स होते हैं या फिर लीगल ऑब्लिगेशंस होती है। लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब UNFCCC के अंडर एक प्रोटोकॉल था, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग था कुछ कंट्रीज पर। तो इस तरह से ये लीगल ऑब्लिगेशंस थी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। तो ये कन्वेंशन के अंडर प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि वियना कन्वेंशन के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मेनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन किया गया है या उनका यूज और प्रोडक्शन को बैन किया गया है। इसी तरह से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल है इसमें, कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। तो ये कन्वेंशन के अंडर प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जैसे कि रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड्स पे था, ये 1971 में साइन हुआ था। फिर मैंने कहा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट थी जो कि 1972 में बनी थी। इसी में ही UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इसमें आपको पता होगा यूनेस्को हर साल या हर साल नहीं बट जनरली यूनेस्को जो है उसकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, नेचुरल हेरिटेज साइट्स को डेजिग्नेट करती है। तो ये उससे रिलेटेड कन्वेंशन था, ये भी 1972 में आया था। फिर एक कन्वेंशन था साइट्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी। फिर एक कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी था, इसी को ही बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि ये बॉन जो कि जर्मनी में एक जगह है वहाँ हुआ था। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई थी 1980 में। नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ था 1982 में। ये फिर वर्ल्ड चार्टर ऑन नेचर हुआ था, ऑफ नेचर हुआ था 1982 में। वियना कन्वेंशन जैसा मैंने कहा कि 1985 में एक कन्वेंशन हुआ था ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए। वियना कन्वेंशन के अंदर ही ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये 1987 में साइन हुआ था। इसके बाद एक हेलसिंकी डिक्लेरेशन था, वो 1989 में हेलसिंकी डिक्लेरेशन साइन हुआ था। बासल कन्वेंशन हजार्डियस वेस्ट पर था। अर्थ समिट जो जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट समिट था, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ टैबुलर फॉर्म में मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक लिस्टिंग करी है सारे कन्वेंशंस की। आगे आने वाली स्लाइड्स में इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अर्थ समिट के अंदर ही UNFCCC आया है, अर्थ समिट के अंदर ही CBD आया है और अर्थ समिट के अंदर ही एजेंडा 21 आया है। फिर 1994 में एक UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स 2000 में आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये क्योंकि 1992 में अर्थ समिट हुआ था तो उसकी 10th एनिवर्सरी थी 2002 में, तो उस टाइम जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है वहाँ ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। फिर UN वर्ल्ड समिट हुआ था 2005 में। तो आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले जैसा अपन ने करा कि 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वर्क करती है। ये 5th अक्टूबर 1948 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में।
ध्यान रखिएगा, ये एक मेंबर नहीं है यूएन का, ये एक्चुअली इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है यूएन पे, यूएन में, एंड ये एज सच फुल फ्लेज्ड मेंबर नहीं है यूएन का। तो इसने जनरली कहाँ कहाँ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, पहला जैसे मैंने कहा कि आईयूसीएन एक रेड डेटा लिस्ट निकालती है जिसमें कि थ्रेटन स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये सारी स्पीशीज की पूरी एक लिस्टिंग होती है जिससे कि उनका कंजर्वेशन स्टेटस पता चलता है और फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फ्रेम की जाती है। IUCN एक वन ऑफ द फ्यू NGO है जो कि इन्वॉल्व है प्रिपरेशन ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो मैंने कहा कि स्टॉकहोम में 1972 में एक पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट में, तो उसमें भी IUCN ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद जैसा कि अपन ने देखा कि 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर स्टैब्लिश हुआ था, तो इसका भी एक स्टेबल फाइनेंशियल बेसिस फ्रेम करने के लिए IUCN ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। IUCN अपना टेक्निकल इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग भी करती है फॉर कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो 1972 में जिस कन्वेंशन के अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेजिग्नेट करती है, तो IUCN ने इसमें टेक्निकल इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग भी करी थी 1972 के कन्वेंशन में। फिर जो साइट्स कन्वेंशन अपन ने देखा, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज है 1973 में ऐसा चीज आया था, IUCN जो है सिग्नेटरी था इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का, एंड जो साइट्स का सेक्रेटेरिएट है वो ओरिजिनली IUCN के वहीं था। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो अभी भी IUCN के हेडक्वार्टर से एडमिनिस्टर होता है। फिर 1975 में IUCN ने एक वर्क ऑन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे काम स्टार्ट किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो IUCN प्ले करती है या उसने प्ले किया है इन पास्ट। तो इस तरह की रेड लिस्ट होती है, जैसा मैंने कहा कि उसमें थ्रेटन्ड स्पीशीज होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, तो इस तरह से वो कंजर्वेशन स्टेटस पता चलता है उस स्पीशी का, एंड अकॉर्डिंगली पॉलिसीज डिजाइन की जाती है। जैसा अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडिया में, तो अब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का अगर उसको स्टेटस दिया गया है तो अकॉर्डिंगली कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज फ्रेम की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं रामसर कन्वेंशन, तो अब एक एक करके कन्वेंशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो एक कन्वेंशन है वेटलैंड्स पर, इसको इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं, उसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशन जो है वो रामसर में साइन हुआ था। रामसर जो है वो ईरान में एक जगह है, एक सिटी है। ये कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, एंड इसलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहते हैं। हर वेटलैंड डे पे एक थीम होती है, जैसे कि 2017 की थीम थी वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें अभी फिलहाल इसकी भी हर कन्वेंशन की कॉप होती है, कॉप इन द सेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, कई कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एनुअली होती है, कईयों की 2 साल में, 3 साल में, इस तरह से होती है। तो इसके जो मेंबर्स हैं कॉप के वो लगभग 169 है। मेन फिलॉसफी जो है इस कन्वेंशन की वो है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। वाइज यूज का मतलब है कि उस वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करना है, और इस तरह से मेंटेन करना है कि वो टोटली मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो। और इस कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 64% ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स हैव डिसअपीयर्ड इन लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में 64% ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डिसअपीयर हो चुके हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये उस कन्वेंशन की एक गवर्निंग बॉडी होती है, इसमें जो सारी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है उस कन्वेंशन को वो पार्टिसिपेट करती है। और कॉप रामसर कन्वेंशन की हर 3 साल में होती है, जो UNFCCC की है वो हर साल होती है। मोस्ट रीसेंट कॉप जो थी वो कॉप 12 थी, वो यूरोगे में हुई थी 2015 में। अब कॉप 13 होगी दुबई UAE में 2018 में। जैसा कि देखा कि इस कन्वेंशन में जो सारी पार्टीज हैं वो कमिट करती है कि वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स हो। ये सारी कंट्रीज अपने अपने नेशन में जो भी सारी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये रामसर लिस्ट में एक ये अपनी वेटलैंड्स का नाम भेजती हैं। उसके बाद कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स। कुछ वेटलैंड्स होती हैं जो एक कंट्री और दो कंट्री में शेयर होती है, 2-3 कंट्रीज में अगर वो वेटलैंड फैली हुई है, तो जनरली इन वेटलैंड्स के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है।
उसमें शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम होता है, शेयर्ड स्पीशीज होती है, वो स्पीशीज हो सकता है एक से ज्यादा कंट्री में माइग्रेट करती हो या प्रेजेंट हो, तो ऐसी वेटलैंड्स के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में। एक साइट अगर रामसर साइट डेजिग्नेट की जाती है तो क्या चीज़ होती है या क्या उसका सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में 2000 से ऊपर वेटलैंड्स हैं, बट उसमें से 26 वेटलैंड्स हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है। तो रामसर साइट डेजिग्नेट कर दिया अगर किसी वेटलैंड को, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्लूजन ऑफ रामसर साइट इन द लिस्ट एम्बॉडीज द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू टेक स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी साइट को रामसर साइट डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, जैसे कि इंडिया में अगर एग्जाम्पल देखें, केला देव जो नेशनल पार्क है, या फिर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये एक वेटलैंड है। अब इस वेटलैंड रामसर साइट के अंडर है, और ये रामसर साइट के अंडर अगर कोई वेटलैंड है तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी या गवर्नमेंट कमिटमेंट लेगी कि वो प्रॉपर स्टेप्स इंश्योर करे ताकि उस वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो मेंटेन किया जा सके। लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लगभग 2231 रामसर साइट्स है। कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है यूके में, जिसमें कि 170 टोटल साइट्स है, और कंट्री विद ग्रेटेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा एरिया ऑफ वेटलैंड्स है बोलीविया में। नेक्स्ट अपन देखते हैं किस क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट में लाने के लिए। तो अगर क्राइटेरिया वन देखें तो अगर अगर वो साइट रिप्रेजेंटेटिव है, रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप है, तो उसको रामसर साइट में डेजिग्नेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर वो वल्नरेबल एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है तो भी उसको रामसर साइट में किया जा सकता है। फिर अगर वो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ऐसे पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को अगर वो सपोर्ट करती है तो भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर वो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज उन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को सपोर्ट कर रही है जो कि एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफस्टाइल प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, तो उनको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर वो वेटलैंड 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करती है तो भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशी और सब स्पीशी ऑफ वाटर बर्ड, तो अगर वो इस तरह की पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स या बर्ड्स को, तो भी उसको रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है फिशेस के लिए, बहुत अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है, या फिर माइग्रेशन पाथ प्रोवाइड कर रही है फिश स्टॉक्स के लिए, तो भी उसको उस वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर वो रेगुलरली 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशी और सब स्पीशी ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज, तो इस तरह की पॉपुलेशन को अगर वो सपोर्ट करती है तो भी उसको रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर वो किसी भी कुछ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश स्पीशीज या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर वो सपोर्ट करती है तो भी उसको रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं रामसर साइट में ही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होता है वेटलैंड साइट्स का ऑन द रामसर लिस्ट, जहाँ उन उन वेटलैंड्स का जहाँ इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो चेंज हो चुका है या चेंज हो रहा है या आगे बहुत हाई चांसेस है कि होगा, तो वो वेटलैंड्स जो कि रामसर लिस्ट में है उसी लिस्ट में एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उन वेटलैंड्स का जो कि हाईली थ्रेटेंड है, हाईली थ्रेटेंड कि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होने के हाई चांसेस हैं या काफी हद तक हो चुका है चेंज। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, पोल्यूशन या कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसके कारण वो जो वेटलैंड है वो बिल्कुल हाई चांसेस है उसमें डिग्रेडेशन के, तो उनको एक रामसर लिस्ट में ही एक सेपरेट रजिस्टर बनाया जाता है जिसको कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहते हैं। अगर कोई भी वेटलैंड मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आ जाए तो उससे उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या चीज करनी होगी? कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड, जैसे कि इंडिया में दो है, दो वेटलैंड है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, एक है लोकटक लेक, ये रामसर लिस्ट में भी है और रामसर लिस्ट में ही एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड
अलग से रजिस्टर बनाया जाता है। तो लोकटक जो आउट ऑफ 25-26 साइट्स, इंडिया में टोटल 26 रामसर साइट्स हैं, उसमें से दो जो हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, उसमें से एक है लोकटकले जो मणिपुर में है और दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो ये दो साइट्स जो हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। अब जब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है तो इंडिया को इसमें क्या करना होगा, जिस भी कंट्री में ये वेटलैंड लोकेटेड होगी उस कंट्री को एक लॉ बनाना होगा जिससे कि वो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिट कर सके विद इन 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ वेटलैंड। सो जो वेटलैंड है उसके 5 किलोमीटर तक कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। ये चीज़ इसमें वो करा है। मेनली इसका मेन इंटेंशन ये है कि उन वेटलैंड्स को वापस से कंजर्व किया जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है जो रामसर कन्वेंशन में हेल्प करती है, रामसर कन्वेंशन में बहुत ही क्लोजली वर्क करती है, तो ऐसी 6 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक है IUCN, एक है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एक है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो रामसर कन्वेंशन में बहुत ही क्लोजली वर्क करती है। अब आइए देखते हैं, एक बार जब हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया तो इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं और जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है एक बार इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1 फरवरी 1982। ध्यान रखिएगा ये 2 फरवरी 1971 में ये साइन की गई थी रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी को हर साल रामसर डे बनाया वेटलैंड डे बनाया जाता है एंड इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1982 में रेटिफाई किया था। इंडिया में टोटल 26 साइट्स हैं जो कि रामसर लिस्ट में है एंड इसमें से दो वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क और लोकटक लेक मणिपुर में। चिलिका लेक पहले था बट अब इसको हटा दिया गया है क्योंकि काफी अच्छे कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए थे। ये सारी रामसर वो है साइट्स हैं। जैसा कि आपने देखा गुजरात में एक ही है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, MP में भोज वेटलैंड एक है, राजस्थान में दो हैं सांभर लेक और केवला देव, ये केवला देव है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी। हरियाणा में कोई भी रामसर लिस्ट में साइट नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इन दोनों, हरियाणा में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, यूपी में एक अपर गंगा रिवर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड एंड पोंग डैम लेक, ये तीन जो है ये हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में है कांजली हरीके एंड रोपर, ये पंजाब में तीन वेटलैंड्स हैं रामसर लिस्ट में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में है, इस स्टेट में वुलर लेक जो कि झेलम रिवर पर है, होकेरा वेटलैंड, सुरिंसर मानसर लेक एंड सोमोरेली, ये 4 वेटलैंड है जो कि रामसर लिस्ट में है। पैंगोंग सो लेक ध्यान रखिएगा नहीं है रामसर लिस्ट में, सोमोरेली जो है वो रामसर लिस्ट में है। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आसाम में दीपोर बील वेटलैंड है, मणिपुर में लोकटक लेक है एंड त्रिपुरा में रुद्र सागर है, तो ये मेनली नॉर्थ ईस्ट की वेटलैंड्स है। उसके बाद अगर देखें तो एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स है, ये न्यूज में था, ये वेस्ट बंगाल में है। भीतरकनिका यहाँ मैनग्रूव्स भी मिलते हैं, ये उड़ीसा में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, कोलेरू लेक ये आंध्रा में है, पॉइंट कैलमीर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, ये पॉइंट कैलमीर है एंड केरला में ये सारे बैकवाटर्स हैं, वेम्बनाड लेक, अष्टमकोटा लेक, अष्टमुडी वेटलैंड केरला में ये वेटलैंड्स हैं। तो ये टोटल 26 वेटलैंड्स हैं जिसमें से कि दो जो है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, लोकटक लेक एंड केवला देव नेशनल पार्क। तो ये स्टेट वाइज जस्ट एक लिस्ट है, आप इसको देख लीजिएगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद जैसा आपने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रामसर कन्वेंशन में क्लोजली वर्क करती हैं, तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये एक एनजीओ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एनजीओ है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और एनजीओज भी, काफ़ी सारी एनजीओज भी उसको सपोर्ट करती हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल ये इसका जो वर्क है काफ़ी अलग अलग एरियाज में वर्क करती है, जैसे कि रिसर्च इन वेटलैंड्स, एडवोकेसी एंड एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी फोरा एंड कन्वेंशंस। तो ये एक तरह से एडवोकेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड का कंजर्वेशन हो और इस फील्ड में रिसर्च भी करती है। तो आइए देखिए एक बार इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ये वेटलैंड इंटरनेशनल पर क्वेश्चन है।
कौन सी स्टेटमेंट इन दो में से करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वेटलैंड इंटरनेशनल। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म बाय कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू रामसर। क्या ये सही है, आप बताइएगा क्या ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन जो है, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज, यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, ये मेन कन्वेंशन था जिसमें कि यूनेस्को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनेस्को जो है कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट्स डिजिग्नेट करती है। इस कन्वेंशन का मेन इंटेंशन ये है कि ये बैलेंस प्रिजर्व करना चाहती है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। तो जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है विद नेचर वो इस तरह से होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इस तरह की एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है जो यूनेस्को मेंटेन करती है। इसके बाद 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एक एस्टैब्लिश किया गया था जो कि इस कन्वेंशन को डे टू डे मैनेज करने के लिए किया गया था। इंडिया में 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें 27 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद 1972 में मैंने कहा था ये फर्स्ट एक डिक्लेरेशन हुआ था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको, क्योंकि ये स्टॉकहोम में हुई थी इसलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें 26 प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में मेनली किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाए, यही सारी प्रिंसिपल्स इसमें फ्रेम की गई थी। इसके बाद ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी सेटअप किया गया था जेनेवा में इन 1972। तो ये यूएन कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखिएगा ये कन्वेंशन नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे 1972 में। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश की गई थी। अब 1972 के बाद जो उसकी 10th एनिवर्सरी थी 1982 में, ये नैरोबी में डिक्लेरेशन किया गया था 1982 टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो जो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक नैरोबी में डिक्लेरेशन किया था। इस डिक्लेरेशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फ्रेम की गई थी इन शॉर्ट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में एक प्राइमा फेसी बनाया गया था, फ्रेमवर्क बनाया गया था, एंड नैरोबी डिक्लेरेशन में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाई गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इसके नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी, ये ध्यान रखिएगा 1973 में आया था। इस स्पीशी में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इस स्पीशी में जो एंडेंजर्ड, सॉरी इस कन्वेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इस कन्वेंशन में जो एंडेंजर्ड स्पीशी होती है उनका प्रोटेक्शन, प्लस इस तरह से उनका इकोनॉमिक इंसेंटिव को रिड्यूस करना, मतलब अगर कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशी है उसका एक्सटिंक्शन या उसको उसका सर्वाइवल थ्रेटन क्यों होता है, या तो उसका कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव हो जैसे कि उसका स्किन या फिर हाइड या फिर मीट या फिर बोन्स या फिर हॉर्न्स जैसे कि राइनो का हॉर्न, तो इस तरह की चीज़ें इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं लोगों को उसको मारने के लिए। तो इस इकोनॉमिक इंसेंटिव को कम करना इसका मेन इंटेंशन था। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके बॉडी पार्ट्स में जो इलीगल ट्रेड होता है उसको ये कन्वेंशन है वो उसको कम करती है। और वो कैसे कम करती है, वो जो उनका इंटरनेशनल मार्केट है उनके प्रोडक्ट्स का, सपोज हॉर्न्स स्किन का मार्केट, हाइड्स का मार्केट, बोन्स का मार्केट, तो इस इंटरनेशनल मार्केट को ये कन्वेंशन डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें जो भी सारी इंडेंजर स्पीशीज है उनकी इलीगल पोचिंग, ट्रेडिंग इन देयर पार्ट्स, ये सब बैंड है। और इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया 1976 में इसका मेंबर बना था। इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑल वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इन जनरल एंड स्पीशीज कवर्ड अंडर दिस कन्वेंशन, इंडिया में ये कन्वेंशन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजंस के थ्रू रेगुलेट होता है। एक बॉर्न कन्वेंशन था जैसा कि मैंने कहा कि ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये मेनली माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए, और ये बॉर्न में हुआ था इसलिए इसको बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं। ये 1979 में आया था, ये मेनली कंजर्व करेगा टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो इसमें सारी तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज को कवर किया गया है थ्रू आउट देयर रेंज, जहां से सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स से जहां से वो माइग्रेट करती है और डेस्टिनेशन जहां वो माइग्रेट करती हैं फाइनली, तो थ्रू आउट देयर रेंज
इनको कंजर्व किया जाएगा, उसमें टेरेस्ट्रियल भी आएंगी, मरीन स्पीशीज भी आएंगी और एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज भी आएंगी। तो इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन होते हैं इसमें। एंड ध्यान रखिएगा इसमें दो अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स वन में वो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जिनको कि एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया है और जिसमें बहुत अर्जेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। अपेंडिक्स टू में एंडेंजर्ड के अलावा बाकी सारी स्पीशीज को लिखा गया है या लिस्ट किया गया है, जिसमें कि जिनको कि अगर उनको भी सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है कंजर्वेशन की। तो इस तरह से दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स वन एंड अपेंडिक्स टू। ये कन्वेंशन जो है ये रेटिफाई फाइनली 1983 में किया गया था, तो इसलिए 1983 में फोर्स में आया। इसमें जैसे कि मरीन टर्टल्स, साइबेरियन क्रेन, डगोंग, ये सारी जो स्पीशीज हैं ये इसमें आती हैं क्योंकि ये माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कन्वेंशन था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। ये 1985 में साइन किया गया था वियना में। इसमें वियना इट इज अंडर दिस वियना कन्वेंशन ऑफ 1985 जहां से फर्स्ट टाइम ग्लोबल कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसी कन्वेंशन के अंदर बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ और फिर लास्ट ईयर एक किगाली अग्रीमेंट आया था 2016 में, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट था। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अग्रीमेंट, ये मैं पार्ट थ्री ऑफ एनवायरनमेंट करंट अफेयर सीरीज में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स का पार्ट थ्री एक बार देख लीजिएगा। ये प्रोटोकॉल, जैसा मैंने कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1989 में आया, ये वियना कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल था। इसमें कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को ख़त्म किया गया या रिड्यूस किया गया, और इसमें ये हर कंट्री की ऑब्लिगेशन होती है कि वो ये एक्चुअली ये भी रिकोगनाइज करती है कि हर कंट्री की ऑब्लिगेशन है कि वो इस तरह के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशंस को कम करे। और वो कम कैसे कर सकती है, उसमें टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, इस तरह से इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनको कम किया जाता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स इंडिया के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बने थे, मेनली टू कंप्लाई विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि किगाली अग्रीमेंट ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करने के लिए था, ये लास्ट ईयर ही हुआ है। किगाली एक जगह है रुवांडा में। इस प्रोटोकॉल में इस अमेंडमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को अमेंड किया गया है। और अमेंडमेंट क्या किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें HFCs का जो एमिशन है उसको फेज आउट किया जाएगा। और ये HFC जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, जैसा कि मैंने लास्ट करंट अफेयर सीरीज में भी कहा था पार्ट थ्री में कि HFC जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक बहुत ही हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि CFC जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, बट CFC को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि CFC मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर है तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो CFC को रिप्लेस करने के लिए HFC का यूज करने लग गए थे। HFC का यूज करना ओजोन के लिए तो ठीक था क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए लास्ट ईयर किगाली अग्रीमेंट हुआ जिसमें कि HFC को कम करने की बात हुई। अब इसमें तीन ग्रुप्स बनाए गए, फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप में रिचेस्ट कंट्रीज जो कि US है या यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज को कहा गया कि वो अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन HFC का 2018 तक कम करेंगे, फ्रीज करेंगे, और वो उसको रिड्यूस करेंगे लगभग 15% तक ऑफ 2012 लेवल बाय 2036। इसके बाद इंडिया का जो था, जैसे थर्ड ग्रुप में है इंडिया, ध्यान रखिएगा इंडिया सेकंड ग्रुप में नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट थ्री में। इंडिया के लिए थोड़ा, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। इनको जो फ्रीजिंग करनी है HFC की वो बाय 2028 करनी है। देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ 2018 है, इंडिया को 2028 करनी है, और सेकेंड ग्रुप में जैसे चाइना है उनको बाय 2024 करनी है। तो इस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ दैट कंट्री। तो इस तरह से ये तीन ग्रुप्स हैं।
इसके बाद एक और एक ब्रंटलैंड कमीशन था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 1987 में हुआ था ये। ये एक रिपोर्ट थी, 4 ईयर स्टडी थी, जिसमें की रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर, इस तरह की रिपोर्ट थी। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ब्रंटलैंड ही इसका मेन चेयरमैन था। 1987 में इसको रिलीज किया गया था एंड इसका मेन थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑफिशियली डिफाइन इसी कमीशन में किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी लिटरल डेफिनेशन जो है वो ऑफिशियली इस कमीशन में ही डिफाइन की गई थी। कमीशन को ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि इसका मेन चेयरमैन जो था वो ब्रंटलैंड था और ये मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। उसके बाद एक बासल कन्वेंशन था ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडियस वेस्ट, इन 1989 में बासल कन्वेंशन साइन हुआ था। इस कन्वेंशन से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी पीक पर था 1980s में अगर देखें तो, जो हजारडियस वेस्ट था अब उसके डिस्पोजल के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और एक सिंड्रोम आ रहा था नॉट इन माई बैकयार्ड। नॉट इन माई बैकयार्ड मतलब कहीं भी आप डिस्पोज करो बट मेरे बैकयार्ड में वेस्ट को मत डिस्पोज करो। तो अगर इस तरह से सब लोग ही रिएक्ट करेंगे तो वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा, तो इसलिए वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक कन्वेंशन साइन किया, बासल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडियस वेस्ट। ये कन्वेंशन जो है 1992 में आया। मेन ऑब्जेक्टिव्स जो थे इस कन्वेंशन के, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडियस वेस्ट को कम करने के थे, मिनिमाइज करना था इस तरह के वेस्ट को एंड प्रोहिबिट करना था देयर शिपमेंट फ्रॉम डेवलप्ड टू लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में ऐसा वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो, इसको कम करना था। वेस्ट का क्रिएट करना ही कम, मतलब वेस्ट ही कम क्रिएट हो वो चीज़ करनी थी और वेस्ट को ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडियस वेस्ट को कंट्रोल करना था। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था और इंडिया ने इससे कंप्लाई करने के लिए हजारडियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक्ट 1981 को ये रूल्स इंडिया ने निकाले थे। ध्यान रखिएगा इंडिया इसका मेंबर है एंड ये कन्वेंशन जो है वो मेनली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडियस वेस्ट के लिए है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन आता है वो है रियो अर्थ समिट, सॉरी ये कन्वेंशन नहीं है, ये एक समिट है। इसमें दो कन्वेंशन निकलेंगे, यूएनएफसीसी एंड सीबीडी। तो 1992 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ है एनवायरनमेंट की हिस्ट्री में। अगर अर्थ की हिस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। ये एक तरह से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 ईयर्स हो गए थे। ध्यान रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आई, फिर 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन आया, फिर इसकी 20th एनिवर्सरी जो थी वो 1992 में थी, जिसमें रियो डी जेनेरियो में एक बहुत बड़ी समिट हुई। इसमें 150 कंट्रीज ने लगभग पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसको अर्थ समिट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ पे मैक्सिमम कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड मेनली अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए थी ये। इसके बाद इसमें ग्लोबल और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को बहुत ही वाइडली डिस्कस किया गया था। इसके बाद इसमें जो ये जो मेन चीज़ें इसमें से निकली है, एक तो एक रियो डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इस डिक्लेरेशन में कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल है कि आगे अर्थ को किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ये किस तरह से होगा, तो उस पर एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक कन्वेंशन निकलेगा जिसका नाम था यूएनएफसीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी होगा एंड एक एजेंडा 21 होगा जिसमें कि पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करना है 21st सेंचुरी में, इसकी बात की गई थी। तो ये एक काइंड ऑफ फ्लोचार्ट है, रियो और समिट 1992, 20th एनिवर्सरी ऑफ व्हाट, 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड 1982 में नैरोबी कॉन्फ्रेंस जो थी वो 10th एनिवर्सरी थी। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि यूएनएफसीसी इनका कॉप होगा हर साल, इसी में ही एक था क्योटो, क्योटो में एक कॉप हुआ था, उससे एक प्रोटोकॉल निकला, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे ही जो कॉप 21 था वो पेरिस में हुआ था, उसमें पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ। इसी तरह से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसमें प्रोटोकॉल निकला ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। इसमें एक बायो सीबीडी में ही एक और एक प्रोटोकॉल निकला, नगोया। नगोया एक जगह है जापान में ही, उस प्रोटोकॉल का नाम आया नगोया प्रोटोकॉल। इसी में एक आईकी टारगेट्स भी सेट किए गए, मेनली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रॉपर टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए गए, तो वो भी सीबीडी के अंडर ही है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैसा मैंने कहा कि एजेंडा 21
एक हुआ था जिसमें कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करें, उसका ये पूरा सेट गाइडलाइंस थी। फिर RIO+10 जो 1992 के बाद एक 2002 में एक अलग से एक और कॉन्फ्रेंस होगी जो कि जोहानिसबर्ग में होगी, और इसमें भी मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो आइए देखते हैं रियो डिक्लेरेशन। जैसा मैंने कहा कि रियो डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट थी प्रिंसिपल्स का, 27 प्रिंसिपल्स थी इसमें, एंड इस प्रिंसिपल इस इन प्रिंसिपल्स में मेनली वो गाइडलाइंस थी कि किस तरह से सारी कंट्रीज को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए डायरेक्ट किया जाए। तो इस तरह की ये चीजें थी इसमें, जो मेन कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सारी बातें कही गई थी। इसके बाद जो ये फर्स्ट जो चीज निकली थी इसमें, UNFCCC 1992 में, ये सबसे मेन कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसका मेन गोल है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को स्टेबलाइज करना, और ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण इंक्रीज होती हैं, तो इससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो मेनली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कम करना या उसको मिटिगेट करना या उससे अडेप्ट करना, तो ये चीजें इसमें मेनली लिखी गई है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट इसी के अंडर है। ये इंडिया ने इसको साइन किया था 1992 में, और उसको रेटिफाई ये किया था 1993 में। इसलिए जो भी कंट्रीज जो UNFCCC के मेंबर है उनका एक ऑब्लिगेशन है कि वो जो है अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करें या कम करें, और अगर एक बार ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के जो फिनोमेना है वो कम हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा एक प्रिंसिपल है CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सब सब कंट्रीज की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अर्थ की ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की, उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि US या यूरोपियन कंट्रीज, जिनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले ही हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये सारी चीजें यूरोप इनमें बहुत पहले से चल रही है, इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज है इन्होंने डेवलपमेंट जो है वो बाद में जनरली स्टार्ट किया है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हर कंट्री की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल दो सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू देयर रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल एक इसके अंडर एक प्रोटोकॉल था UNFCCC के अंडर। इस प्रोटोकॉल में ये लीगली बाइंडिंग था कुछ कंट्रीज के लिए, इसमें एनेक्स वन कंट्रीज थी जिनके लिए ये बाइंडिंग था, और उनको ग्रीन हाउस गैसेस कुछ टाइम तक लिमिट करना था। इसका जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो 2007 से लेकर 2012 था। अभी जो है वो अपन सेकेंड कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल में रह रहे हैं। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड इंडिया ने फेब्रवरी में ही रेटिफाई किया है, ये 2013 से 2020 तक है। 2020 के बाद पेरिस अग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा। क्योटो प्रोटोकॉल मैं इन डिटेल पार्ट 3 में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप पार्ट 3 में देख लीजिएगा, जो इसमें तीन मैकेनिज्म होते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग, ये तीनों मैकेनिज्म, कौन कौन सी कंट्रीज है, एनेक्स कंट्रीज में आती है, नॉन एनेक्स कंट्रीज में आती है, ये सारा एनवायरमेंट पार्ट 3 में डिस्कस हो चुका है। फिर जो 2016 में जो COP21 हुई थी, ये कॉप जो है ये UNFCCC की कॉप है जो हर साल होती है, एंड इसको सिग्नेचर के लिए 22 अप्रैल 2016 को रखा गया था। 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे मनाया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा पेरिस अग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, एम वही है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, मिटिगेट करना है, क्लाइमेट चेंज को, अडेप्टेशन, फाइनेंस, ये सारी चीजें जो जनरली UNFCCC के अंडर है वही पेरिस अग्रीमेंट में है, बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के लिए हर कंट्री ने INDC दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर कंट्री ने अपने प्लेज किए थे। इसका मतलब ये है कि हर कंट्री वॉलंटरली ये बताएगी कि वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनली टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। इसमें इंडिया ने 2 अक्टूबर को अपने INDC रिलीज किए थे, एंड इस INDC में इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोविजंस बताए हैं, जैसे कि इंडिया लगभग 40% रिन्यूअल एनर्जी से करेगा,
फिर उसके बाद इसमें 100 GW इंडिया सोलर एनर्जी से करेगा, 60 GW लगभग विंड एनर्जी से करेगा। फिर उसके बाद ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो मेनली है इस INDC में, इंडिया ने INDC अपने 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किए थे, एंड इसमें मेनली वो सारे प्रोविजन हैं जो इंडिया करेगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। एमिशन इसमें मेन एक टारगेट था कि एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स वो इस तरह से करे जाएंगे ताकि जो ये इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से कम रहे, और इसके लिए एमिशन को रिड्यूस करना होगा 240 गीगा टन्स, या फिर 2 डिग्री से और भी कम तो 1.5 डिग्री तक मैक्सिमम ये एफर्ट्स करे जाएंगे कि 1.5 डिग्री से कम हो। बट एज सच इसमें मेन टारगेट ये है कि 2 डिग्री से कम एवरेज टेम्परेचर हो, इस इसके लिए हमें एमिशंस को कंट्रोल करना होगा। इसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे 2020 में ये 2020 से पेरिस एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा, और हर 5 साल में इसको इवेल्युएट किया किया जाएगा कि किस तरह से जो INDC हर कंट्री ने अपने डिक्लेयर किए हैं उनको किस तरह से वो कंट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसमें हर साल, हर 5 साल में इसका प्रॉपर रिव्यू होगा। इसमें एक बॉटम अप स्ट्रक्चर दिया गया है रादर देन टॉप डाउन। बॉटम अप स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि हर कंट्री ने खुद ने वॉलंटरी अपने INDC डिक्लेयर किए हैं, तो इसलिए बॉटम अप है रादर देन टॉप डाउन, कि ऊपर से किसी को बोला जा रहा है कि तुम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इतना कम करो, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। इसमें बॉटम अप स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, अनलाइक क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जैसा मैंने कहा कि वो कुछ कंट्रीज पर लीगली बाइंडिंग था, पेरिस अग्रीमेंट में लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें वॉलंटरली INDC डिक्लेयर किया गया है। पेरिस अग्रीमेंट में भी ये CBDR की प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। इसके बाद नॉट पार्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट एंड नॉट लीगली बाइंडिंग एज अ प्लान टू प्रोवाइड US$100 बिलियन इन अ ईयर। तो एक US$100 बिलियन हर हर साल दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। ये एक्चुअली एक फंड बनेगा जिसमें कि हर साल US$100 बिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इसका मेन एम है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रोवाइड किए जाएंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर उस वो मेजर्स फॉलो करने के लिए जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज कम कर सकें। तो ये एक $100 बिलियन का फंड होगा। मेनली इसमें डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो कि एक फंड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। अब ये जो पेरिस अग्रीमेंट जब हुआ था साइन, तो इसमें एक प्रोविजन था कि ये फोर्स में तब आएगा जब इसमें 55 कंट्रीज, एंड वो 55 कंट्रीज जो कि एटलीस्ट 55% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं, वो जब इसको रेटिफाई कर देंगी तब ये पेरिस अग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा। एंड ये इतनी कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है तो पेरिस अग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आ चुका है। इसमें अगर देखें कि US एंड चाइना लगभग 40% टोटल एमिट करते हैं। तो UNFCCC के बारे में हमने पढ़ा, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें पेरिस अग्रीमेंट है। अब आइए देखें हम CBD के बारे में पढ़ लेते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी 1992 में था। इसमें सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगा ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये तीन मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक कंजर्वेशन, एक सस्टेनेबल यूज और एक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अब इस कन्वेंशन को साइन करने के लिए ओपन किया गया था 5 जून 1992 में। ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क ट्रीटी है दैट हैज बीन रेटिफाइड बाय 180 कंट्रीज। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। ध्यान रखिएगा CBD जो है वो लीगली बाइंडिंग है। मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने देख ही लिए, तीन ऑब्जेक्टिव्स है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये मेन इसके मेन तीन ऑब्जेक्टिव है। इसी के अंदर दो प्रोटोकॉल थे, वो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसमें जो जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, उसकी सेफ हैंडलिंग, उनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंश्योर किया जाएगा। इनका सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज इसलिए है क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी पे और ह्यूमन हेल्थ पर भी। तो इसलिए ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी और इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये जो प्रोटोकॉल है, नगोया एक जगह है जापान में,
ये मेनली एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन टू सीबीडी। तो जो भी सीबीडी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो यूज कर रहे हैं उनका जो बेनिफिट है वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उस बेनिफिट्स का। तो ये मेन एम है इस नगोया प्रोटोकॉल का। ये फोर्स में 2014 में आया था एंड ये COP10 जो सीबीडी की COP10 थी उसमें नगोया प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीबीडी के अंदर ही आई की बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं। ये टोटल टारगेट्स 20 हैं। इसमें पांच ऐसे गोल हैं और हर गोल में कुछ टारगेट्स हैं, तो टोटल टारगेट्स 20 हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजिक गोल ए अगर देखें तो इसमें अंडरलाइन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इनको एड्रेस करना है। सेकेंड गोल में अगर देखें तो रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना है। स्ट्रेटेजिक गोल सी में अगर देखें तो स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है। स्ट्रेटेजिक गोल डी में बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी इनको एनहांस करना है। एंड स्ट्रेटेजिक गोल ई में इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको एनहांस करना है थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें इन गोल्स में इंश्योर की गई है और इसके अंदर टारगेट्स है। टोटल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है वो 20 है। तो इस तरह से हमने ये पूरे रियो और समिट को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें अब लास्ट जो बचता है वो एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था। मैंने कहा जैसे कि 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा सेट करना था जिससे कि इंश्योर हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो, और मेनली एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। इसमें पावर्टी, हेल्थ, कंजम्पशन पैटर्न, नेचुरल रिसोर्स यूज, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। एनर्जी, क्लाइमेट, काफ़ी वाइड रेंजिंग एक डॉक्यूमेंट है एजेंडा 21 का। ध्यान रखिएगा ये नॉन बाइंडिंग है बट ये एक की डॉक्यूमेंट था जो कि रियो और समिट से निकला था। इसके बाद जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जो कि 10 साल बाद ऑफ रियो हुई थी, ये जोहानिसबर्ग में हुई थी और इसका भी मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब जो हमने यहाँ देखा, कि ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये सारे प्रोटोकॉल्स, आई की टारगेट डिस्कस किए, एजेंडा 21 एंड रियो 10 हमने डिस्कस किया है, मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद एक 2012 में रियो+20 हुई थी। तो रियो को हमने डिटेल में डिस्कस किया, रियो+20 हुई थी 2012 में, वो वापस रियो में ही हुई थी। ये 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हुई थी अर्थ समिट की। 10th एनिवर्सरी हुई थी जोहानिसबर्ग में, ये मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थी। रियो+20 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। इसकी थीम थी फ्यूचर वी वॉन्ट। रियो+20 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हुई थी। इसके बाद जो कन्वेंशन हैं वो आगे आने वाले 1994 में यूएन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन है। इसमें मेनली जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि पहली बात तो इसमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो की गई है। इसमें डेजर्टिफिकेशन को टैकल करने की बात की गई है। अब उसको टैकल नेशनल, रीजनल, सब रीजनल प्रोग्राम्स के थ्रू या सब रीजनल एक्शंस के थ्रू होगा। इसमें इंडिया काफ़ी अच्छी तरह से वो कर रही है, जैसे कि उसमें एग्रोफॉरेस्ट्री मेजर्स, सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स ये यूज़ करते हैं ताकि डेजर्ट का जो स्प्रेड है वो इंक्रीज नहीं हो। तो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए 2006 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन उसको 2016 को 2006 को डेजिग्नेट किया गया था। इसके बाद रोटरडैम कन्वेंशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन जो है वो कन्वेंशन है फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कन्वेंशन जो है, ध्यान रखिएगा ये बासल कन्वेंशन से डिफरेंट है। बासल कन्वेंशन वॉज ऑन हजार्डियस वेस्ट, ये कन्वेंशन जो है ये हजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए है। इसमें एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करनी है जिससे कि जो हजार्डियस केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का ट्रेड हो रहा है उसमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे कर सकते हैं? अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी, ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा एक्सपोर्टर्स के लिए या इम्पोर्टर्स के लिए, उनके लिए गाइडलाइंस प्रॉपर होगी कि किस तरह से प्रॉपर लेबलिंग करनी है इस तरह के हजार्डियस केमिकल्स और पेस्टिसाइड की, किस तरह से उनको उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे सेफ हैंडलिंग के लिए। परचेजर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा उसमें अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हजार्डियस हो सकता है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिसेमिनेट की जाएगी इस कन्वेंशन के अंडर।
एंड सिग्नेटरी नेशंस वो डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे शुड अलाउ और बैन द इम्पोर्ट ऑफ सच केमिकल्स लिस्टेड इन द ट्रीटी। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसमें ध्यान रखिएगा हजारडियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें हजारडियस वेस्ट नहीं है, वेस्ट असल में है। फिर आता है एक स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1972 वाली थी, एंड ये कन्वेंशन है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में है। ये 2004 में वो हुआ था रेटिफाई, क्योंकि साइन इसको 2008 में कर दिया था, बट फाइनली इफेक्टिव जो है ये 2004 में हुआ था। इसका मेन एम जो है ये प्रोडक्शन और यूज दोनों को, प्रोडक्शन और यूज ऑफ POPs इनको एलिमिनेट करेगा या फिर ये इनको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इस तरह से अगर अपन देखें ये टोटल 12 POPs हैं, इनको डर्टी डजन भी कहते हैं। इन POPs को ये कंट्रोल करता है, इनका प्रोडक्शन एंड इनका यूज। तो इसमें से कुछ इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड हैं, कुछ अनइंटेंशनली प्रोड्यूस हैं। इंटेंशनली प्रोड्यूस जो है वो एल्ड्रेन, क्लोरोडेन, DDT, टाइल्ड्रेन, एंड्रेन, हेप्टाक्लोर, PCBs, टॉक्सफीन, ये सारे जो इंटेंशनली प्रोड्यूस होते हैं इनका तो एलिमिनेशन पूरा करना है, प्रोडक्शन और यूज भी नहीं होना चाहिए। जो अनइंटेंशनली प्रोड्यूस्ड हैं उनका मिनिमाइजेशन और जहां फीजेबल है उनका एलिमिनेशन। तो अनइंटेंडेड में आते हैं PCBs, हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो ये टोटल 12 POPs हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और कन्वेंशन है, इसको एंटार्क्टिक कन्वेंशन भी कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। ये 1982 में आया था, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एंटार्क्टिक में मरीन लाइफ है उसको कंजर्व करना है। ये एंटार्क्टिक की ट्रीटी है उसका ही पार्ट है, इसमें प्रिजर्व करना है मरीन लाइफ और एनवायरमेंट इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है जो भी एंटार्क्टिका के अराउंड है। इसका हेडक्वार्टर है तस्मानिया, तस्मानिया एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में नीचे की साइड। एंड इसमें मेनली इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इसलिए थे क्योंकि क्रिल जो है, जो सदर्न ओशन एंटार्क्टिका की सराउंडिंग सदर्न ओशन है, उसमें ये क्रिल मिलती है, इनका बहुत ज़्यादा ओवर कैचिंग हो रही थी इनकी, तो उससे सीरियस इम्पैक्ट हो रहा था, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए इस कन्वेंशन को लाया गया। इसको 14 स्टेट्स हैव साइंड इट और 35 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है एंड इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो ये सारे कन्वेंशन हैं। ये क्वेश्चन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस देती है, इंडिया में या जनरल बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस। एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस देती है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी उनको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है MOEF के अंदर ही। इसका मेन एम है कि ये प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर फील्ड में, अवेयरनेस जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, एजुकेशन इम्पार्ट करता है अबाउट एनिमल वेलफेयर एंड इट्स डिसिप्लिन इन अ प्रोफेशनल मैनर। इट ऑल्सो एम्स एट पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू यूज ऑफ एनिमल्स। तो ये इस तरह की लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी इसका मेन एक एम है, जिससे कि पॉवर्टी एलिवेशन हो थ्रू यूज ऑफ एनिमल्स। तो इस तरीके से ये एनवायरमेंट के एरिया में प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, ये मेन इसके एम्स हैं। इसके बाद एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये एक ऑटोनॉमस स्टैटूटरी अथॉरिटी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसका मेन एम जो है ये एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी, जो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का मतलब ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें काफ़ी सारे शेड्यूल्स हैं, जो शेड्यूल 1 है उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे कि गैंजेटिक डॉल्फिन वो शेड्यूल 1 में है। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1 में, इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है और इनका अगर पोचिंग हुई तो जनरली उसमें बहुत ही मतलब हाई लेवल ऑफ पनिशमेंट है। इसके बाद शेड्यूल 2 होता है, फिर शेड्यूल 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसमें शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी उनको रेगुलेट करता है। ये अप्रूवल भी देता है अंडर एग्जिम पॉलिसी और साइट्स, जो कन्वेंशन हमने देखा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके लिए भी अप्रूवल देता है कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स अगर हो रहा है बिटवीन नेशनल जू एंड फॉरन जू। तो इंडिया के जू और फॉरन जू के बीच में कोई भी अगर एक्सचेंज ऑफ एनिमल होगा तो सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव करेगी। ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनको भी
कोऑर्डिनेट करता है मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये हमने देखा था जब हमने रामसर कन्वेंशन में, मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसमें बहुत ही क्लोजली वर्क करती है रामसर कन्वेंशन में। उसमें से एक वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल थी, एक ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन पार्टनरशिप है। इसका मेन कंजर्वेशन जो होता है वो बर्ड्स और उनके हैबिटेट को करना होता है। इट ऑल्सो पब्लिश इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज इन्वेंट्री, ये जो भी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज है उनकी इन्वेंट्री पब्लिश करती है। पहले इसको इंटरनेशनल कमिटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन कहा जाता था, बट अब इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहा जाता है। ग्लोबल ऑफिस इसका यूके में है और काफी सारे रीजनल ऑफिस भी हैं। तो मेन जो है वो ये एक तो इन्वेंट्री पब्लिश करती है और दूसरा ये कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स को इंश्योर करती है। फिर है इक्रीसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। इसका मेन पहली बात तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में है। इसको इसका मेन एम है प्रॉस्परस फूड सिक्योर एंड रेजिलिएंट ड्राई लैंड ट्रॉपिक्स। तो ड्राई लैंड का मतलब ये है जो ड्राई एरियाज होते हैं उसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, तो उन उन एरियाज में इस तरह के क्रॉप्स उगाना जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिससे कि पावर्टी रिड्यूस हो सके, हंगर, माल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इन सबको कंट्रोल किया जा सके। तो ये मेनली रिसर्च पर फोकस करता है और रिसर्च भी उन एरियाज में जैसे कि उन क्रॉप्स को पर रिसर्च करना जो कि हार्श कंडीशन जैसे कि ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सके। जनरली जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं उन पर ये रिसर्च करता है। इसके बाद ये एक्सपर्टीज भी बिल्ड करता है पूरा फार्म मैनेजमेंट टू एग्री बिजनेस, ये पूरी वैल्यू चेन में किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इस पर भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। इसका मैंडेट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मीटरोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। तो इसका मेन ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन मेनली रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग। तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का इसका मेन रोल है और ये बिटवीन कंट्रीज प्रोवाइड करता है। ये पाइनियरिंग रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि डिजास्टर्स की फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ये मेनली वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है अमंग कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन के अंडर, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक मेंबर भी है यूएनडीपी का, WMO दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP। ये UNEP 1972 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में उसके बाद UNEP आई थी। तो इन दोनों ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये जॉइंटली क्रिएट करते हैं IPCC। IPCC जो है वो एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है, असेसमेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का कितना क्लाइमेट चेंज हो चुका है, कितना ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो चुका है, कितना उसको लिमिट करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये सारी चीजें वो बताते हैं IPCC असेसमेंट रिपोर्ट में। और ये जॉइंटली WMO और UNEP ने क्रिएट की है। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, तो मेनली ग्लोबल एटमॉस्फेयर चेंज किस तरह से हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी एक नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1972 में। ये क्या करती है, ये जैसा आप देख सकते हैं ये डिपिक्शन करती है इंडिया का फ्लोरा फौना मिनरल वेल्थ टू पब्लिक। इससे क्या होता है जैसे कि अवेयरनेस जनरेट होती है स्कूल में, चिल्ड्रन में जनरली, तो अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए ये मेनली एक नेशनल म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का जहाँ की फ्लोरा और फौना का डिपिक्शन होता है। इसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर MOEF। ये एक एपिक्स बॉडी है रिसर्च और एजुकेशन इन फॉरेस्ट्री सेक्टर, तो फॉरेस्ट्री सेक्टर के लिए मेन एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च और एजुकेशन के लिए। तो ये मेनली ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं जैसे कि डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो इन पर ये रिसर्च करती है एंड मेनली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस है, ये एक सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी मेगा इवेंट है, इस साल केरला में होस्ट किया गया था ये, एंड इसकी थीम थी मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये एक इंस्टीट्यूट है करनाल में, करनाल हरियाणा में है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ टू इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। तो ये दो इंस्टीट्यूट है जिनको मर्ज करके बनाया गया है। इसका जो मेन एम है आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन,
कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, तो किस तरह से लाइफ स्टॉक को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, उनका जेनेटिक रिसोर्स जो है उसको मेंटेन किया जाए, ये चीज़ें मेनली नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स देखता है। उसके बाद एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ZSI, ऐसे ही एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आप देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम जो है ये इनफैक्ट एक प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज को के लिए बनाई गई है। इसका जो मेन एम है इसका, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लोर करती है, सर्वे करती है, प्रॉपर इन्वेंटरी मेंटेन करती है, मॉनिटरिंग करती है सारी वाइल्ड लाइफ की, फॉनल डाइवर्सिटी की। फिर यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रेड डेटा बुक वो करती है, मेनली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये मेंटेन करती है एंड डेवलप करती है नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शंस को, ये ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड HRD फॉर दिस एक्सप्लोरिंग, सर्वेइंग, मॉनिटरिंग ऑफ फॉनल डाइवर्सिटी ये इंश्योर करती है। तो इस तरह की ये इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग स्टडीज, ये एनिमल डाइवर्सिटी प्लस थ्रेटन स्पीशीज पर करती है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडीज को स्टडी करना, फिर मेंटेनेंस ऑफ म्यूजियम एट हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल सेंटर, एक एनविस है एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी ये डेवलप करती है, और साइट्स जो कि इंडिया में सेंटर है उनको भी वो डेवलप करती है। इसके बाद कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम ऑन बायोडाइवर्सिटी विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में है या इंडिया की बाहर है उनसे कोलैबोरेटिव रिसर्च को मेनली कोऑर्डिनेट करती है। उसके बाद जैसा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर है। ये 1890 में पहले स्टैब्लिश किया गया था, इंडिपेंडेंस से पहले प्लांट रिसोर्सेज को सर्वे करने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारी जगह बॉटनिकल गार्डन्स बनाए थे, जैसे कि सिपुर में, पूना में, सहारनपुर में, मद्रास में, तो बॉटनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। 1954 में गवर्नमेंट ने इसको रीऑर्गेनाइज किया और इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देखा कि वो एक्सप्लोरिंग, सर्वेइंग ये सब करती है, इसी तरह से बॉटनिकल फील्ड में, फ्लोरा में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ये इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वेज, एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, इन्वेंट्रीज मेंटेन करती है, कलेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटीरियल्स, तो ये एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए मटीरियल डिजाइन करती है। फिर इट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ ऑथेंटिक कलेक्शंस इन वेल प्लांट हर्बेरिया एंड डॉक्यूमेंटिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन करती है प्लांट रिसोर्सेज का जो कि लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर इनको मेंटेन किया जाता है, इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इट कैरीज आउट वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन एरिया ऑफ स्टडी लाइक बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, इन सब एरिया में वो स्टडी करती है और इसने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रोटेक्टिंग एंड स्टडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इसका इंस्टीट्यूट जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून इंडिया में। नेक्स्ट NTCA, एक 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर मेनली टाइगर कंजर्वेशन के लिए था और इसके अंडर काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो उसी के बाद ये NTCA दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैटूटरी बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही है। इसको स्टैटूटरी स्टेटस, मतलब ये एक लीगल स्टेटस जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंदर दिया गया था और इसको ये 1972 वाले को अमेंड करके तो 2006 में इसको अमेंड किया गया था और उस अमेंडमेंट के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। तो जो मेन इसके NTCA के फंक्शंस हैं वो है कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में, प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जो भी टाइगर रिजर्व है उसके स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर करना, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करना, फिर स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटीज को इंस्टीट्यूट करना जो कि चीफ मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर होती है, एक टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन स्टैब्लिश करना, अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिए जो भी न्यू टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है उसको नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट
वो आफ्टर अप्रूवल ऑफ NTCA होता है। इनफैक्ट अगर टाइगर रिजर्व की कोई भी बाउंड्री को बढ़ाना है, कम करना है, डी नोटिफाई करना है, तो ये भी आफ्टर अप्रूवल या रिकमेंडेशन ऑफ NTCA प्लस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL इनके अप्रूवल के बाद ही होता है। नेक्स्ट करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कैसे है? क्योंकि एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ध्यान रखिएगा ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 वाला नहीं है, ये एनिमल वेलफेयर जो है ये क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया है। और इसका जो मेन एम ये है कि ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करेगी। ये मेनली कीप पीपल को अपॉइंट करती है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स की तरह, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन पीपल, गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये कोई भी लॉ में चेंजेस लाने हैं या रूल्स में कोई चेंजेस लाने हैं वेलफेयर इशू, एनिमल वेलफेयर इशू से रिलेटेड, तो ये इसको भी प्रॉपरली सजेस्ट करती है। पब्लिकेशंस इशू करती है जैसे कि अवेयरनेस रेज हो, उसके बाद ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है टू एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स हु सबमिट एप्लीकेशंस टू बोर्ड। तो ये मेनली एनिमल वेलफेयर के लिए जो भी सारे काम है उनको इंश्योर करती है, ओवरसी करती है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स को ये अपॉइंट करती है। लॉ या रूल्स में कोई चेंज लाने हैं उनको भी ये देखती है। इसमें लगभग 28 मेंबर्स हैं जो कि 3 साल के लिए काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर था देहरादून में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इसके बाद एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये अभी न्यूज में था क्योंकि एक शाह कमेटी बनी थी जिसने प्रपोज किया है कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन मेनली सर्फेस वाटर के लिए है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो मेनली ग्राउंड वाटर के लिए है, तो इस इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करने की बात की गई थी, तो इसलिए न्यूज में था। तो आइए एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये एक एपेक्स टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में काम करती है। ये अटैच्ड ऑफिस है यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन के अंडर है। ध्यान रखिएगा ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन इसकी है कि इनिशिएट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंट्रोल यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो स्पेशली जब रिवर डिस्प्यूट्स और ये सारे वाटर से रिलेटेड क्राइसिस हो रहे हैं तो सेंट्रल वाटर कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका इसमें मेन फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को ये देखता है। इसके बाद इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जैसा कि हमने देखा एक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है अमंग द कंट्रीज। ऐसे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसको मेट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में है। इसका मेन एम है कि ये जो वेदर फोरकास्टिंग है, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, सीस्मोलॉजी से रिलेटेड जो जो फोरकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें वो प्रॉपरली ये इससे रिलेटेड ये चीज़ें डिलीवर करता है। इंडिया IMD में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन स्टेशन भी सेटअप किए हैं इंडिया में और एंटार्क्टिका में, ताकि बहुत ही इम्प्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग हो। IMD जो है वो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर भी है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसा मैंने कहा कि इसका मेन एम है फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जनरली आते हैं, तो ये चीज़ें हैं इसकी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है UN के अंडर ही, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करती है कि ये इंटरनेशनल एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करती है टू डिफीट हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों को ये मेनली देखती है। मेनली डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों को ये सर्व करती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्प करती है। डेवलपिंग कंट्रीज या जो भी कंट्रीज इन ट्रांजिशन है कि वो अपना एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे ताकि फूड सिक्योरिटी हो, फॉरेस्ट्री फिशिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करे, गुड न्यूट्रिशन इंश्योर हो एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल हो। 1945 में बनी थी एंड इसका हेडक्वार्टर इटली में है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है एंड अलॉन्ग विद 194 मेंबर स्टेट्स अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन। तो इसके 3 मेन गोल जो है, जैसा मैंने कहा कि इराडिकेशन ऑफ हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, इसको कम करना है, फिर पावर्टी को एलिमिनेट करना, क्योंकि पावर्टी को एलिमिनेट करना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड इनसिक्योरिटी।
फिर एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी, ड्राइविंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस फॉर ऑल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को इंश्योर करना, क्योंकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो ये इसके तीन मेन गोल्स हैं। इसके बाद एक एनजीटी है, एनजीटी ये हम पहले भी कर चुके हैं, एनवायरमेंट पार्ट वन में मैंने एनजीटी ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो एनजीटी जैसा मैंने कहा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर बनी थी। इसका मेन एम है कि इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस होंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रिब्यूनल का मेन जो एम है कि ये कोशिश करेगी कि डिस्पोजल जो है एप्लीकेशंस की विद इन 6 months हो जाए ऑफ फाइलिंग द केस। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश हुई है वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करने के लिए हुई है। जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ और उसके अंदर इम्प्लिसिट है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, तो इसलिए आर्टिकल 21 के अंदर है। इसके मेंबर्स जो होंगे लगभग 10 एक्सपर्ट होते हैं इसमें और 10 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ऑल दो ये एक्ट जो है टोटल 20 एक्सपर्ट मेंबर्स और 20 जुडिशियल मेंबर्स को अलाउ करता है। चेयरमैन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ट्रिब्यूनल का और वो जुडिशियल मेंबर होता है। चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी या तो वो सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का या जज हो सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान रखेगा यहाँ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है और जज हो सुप्रीम कोर्ट का। ज्यूरिडिक्शन जो है इसका मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट होता है एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू एन अवार्ड आर इक्वलेंट टू सिविल कोर्ट। तो कोई सिविल कोर्ट अगर इस तरह से कोई जो अवार्ड डिक्लेयर करता है इसी तरह से एनजीटी भी डिक्लेयर कर सकती है। न्यू दिल्ली इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सीटिंग है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई ये और 4 प्लेसेस ऑफ सिटिंग है। तो ये है एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। ये देहरादून में है और इसका मेन एम है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि मेनली फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए ये मेनली काम करेगा। इसका दे आर एंगेज इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांटेशन ट्री स्पीशी, तो इस पर रिसर्च होती है। क्वालिटी ट्री स्पीशीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनकी यील्ड इम्प्रूव करने के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, तो ये मेन इसका काम है जो कि देहरादून में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है। फिर एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही है। ये मेन इसका जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करना होता है। तो अगर आप देखें जो मैंने शायद फर्स्ट लेसन ऑफ एनवायरमेंट में ऑलरेडी लिया था, एक ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड एक ऑपरेशन सेव कर्मा, ये मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये दो ऑपरेशन अभी स्टार्ट किए थे और ऑपरेशन थंडरबर्ड का मेन एम यही था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि वाइल्ड लाइफ में होता है उसको कंट्रोल करना। तो इसका मेन है कि मेन एम है कि कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज, इस्टेब्लिश करेगा एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, फॉरेन अथॉरिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इससे कंसर्न होंगी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल से तो उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में, यूनिवर्सल एक्शन लेने में, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो इंश्योर करेगा, एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कोई भी इशू जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड होंगे, असिस्ट करेगा और एडवाइस करेगा कस्टम अथॉरिटीज को कि किस तरह से वो इंस्पेक्शन करे जो भी कंसाइनमेंट्स फ्लोरा और फौना से रिलेटेड है एज पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। ये ऑल्सो पार्टनर्स विद UN यूनिवर्सिटी एंड ये कोलम्बिया यूनिवर्सिटी है थ्रू वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशिएटिव। तो ये इसके मेन फंक्शंस है एंड ये अभी रिसेंटली ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड ऑपरेशन सेफ कर्मा ये दोनों वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये भी जनरली न्यूज़ में रहती है, ये लार्जेस्ट NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये पब्लिश भी करती है जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, काफ़ी सारे रिसर्च एफर्ट्स को भी सपोर्ट करती है। काफ़ी प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, ये लोग इससे एसोसिएटेड रहे हैं। DNHS इज पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया और ये एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसको डेजिग्नेशन दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे करंट अफेयर्स हमने देखे कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनवायरनमेंट पार्ट 5
का वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, प्लस जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इस लेसन में उनको भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू।